तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड मैं आज आप सभी के लिए लेके आया हूँ TVS राइडर 125। दोस्तों ये मोटरसाइकिल 125 सीसी की सबसे ज़्यादा फीचर प्रोवाइड करने वाली मोटरसाइकिल है, और इसमें आपको कुछ ऐसे स्पेशल फीचर्स मिलते हैं जो कि आपको 200 सीसी के भी मोटरसाइकिल्स में नहीं मिलते हैं। बट दोस्तों, वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा TVS ऑटो रेसन अभिषेक सर, जिन्होंने ये मोटरसाइकिल मुझे आप तक पहुँचाने के लिए प्रोवाइड की। शोरूम की जो सारी की सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस मोटरसाइकिल के प्राइसिंग से। इसमें आपको मिलते हैं दो वेरियंट्स, ब्लूटूथ एंड नॉन ब्लूटूथ। एंड अभी हमारे पास इसका ब्लूटूथ वाला वेरियंट है, और इसकी आपको कॉस्ट पड़ेगी 1,30,000 रुपीज़। बट इसका जो नॉन ब्लूटूथ वाला वेरियंट है, उसकी आपको कॉस्ट पड़ती है 1,20,000 रुपीज़। मतलब इन दोनों भी मोटरसाइकिल्स में ना ऑलमोस्ट आपको 10,000 का प्राइस डिफरेंस मिलेगा। और दोस्तों, आपको मेजर डिफरेंस मिलता है जो कि है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो ब्लूटूथ वाला वेरियंट है उसमें आपको ये 7 इंचेस का कलर TFT डिस्प्ले मिलता है, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। और इसमें आपको दो राइडिंग मोड्स मिलते हैं जो कि आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अभी मैं इसके पावर मोड पे हूँ, तो यहाँ पे आपको है ना एक ऑरेंजिस कलर का थीम मिल जाता है। बट इसमें आप जब भी इको मोड में डालते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इसका जो कलर थीम है ना, वो यहाँ पे चेंज हो जाता है। बाकी दोस्तों, इसमें आपको बहुत सारे जो यूनिक फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि आपको इसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिलेगा, कॉल अलर्ट मिलेगा, मैसेज अलर्ट मिलेगा, और बहुत सारे दोस्तों फीचर्स मिलते हैं। ऐसा इंटरेस्टिंग डिस्प्ले दोस्तों मैंने 125 सीसी के सेगमेंट में तो अभी तक देखा नहीं। आपने देखा होगा तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। बाकी आप इसका हैंडल बार्स देख सकते हो, यहाँ पे आपको ये बहुत ही अच्छे खासे वाइड एंड नाइस हैंडल बार्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको ये मोड चेंज करने के लिए बटन मिल जाता है, मेन्यू का बटन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको एक स्टार्ट बटन भी मिल जाता है। इस साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पास बटन, हाई बीम, लो बीम, टर्न इंडिकेटर्स एंड हॉर्न का बटन मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको एक कॉल कट करने के लिए और रिसीव करने के लिए एक बटन भी मिल जाएगा। उसी के साथ साथ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो ना, तो टैंक के ऊपर के साइड में आपको ये USB चार्जिंग का एक सॉकेट भी मिल जाता है, तो आपका जो स्मार्टफोन है यहाँ से चार्ज कर सकते हो। एंड इसके जो फ्यूल टैंक है ना, उसमें आपको 10 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिलती है। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो, तो आपको एक हॉर्स का 3D लोगो मिल जाएगा, और यहाँ पे भी आपको ये राइडर की ब्रांडिंग मिल जाती है, जो कि 3D में आती है, एम्बॉज होकर आती है। एंड साइड पैनल पे ये आपको देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। बाकी इसके माइलेज के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे आपको आराम से जो है ना 55 से लेकर 60 की माइलेज सिटी में मिल जाएगी। बाकी फ्रंट पोर्शन आपको दिखा देता हूँ एक बार। फ्रंट में आपको कुछ इस तरीके से लुक मिलता है, कंप्लीट LED सेटअप मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो DRLs है ना, नाइट में दिखने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लुक प्रोवाइड करते हैं। इसमें आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आपको नंबर प्लेट होल्डर मिलेगा, ये TVS की आपको 3D ब्रांडिंग मिल जाती है। बाकी जो टर्न सिग्नल्स है वो आपको हेलोजन में ही मिलेंगे। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं। टायर्स के बारे में बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे आपको जो है ना वो 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स देखने के लिए मिलते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड इसमें आपको जो है ना वो फ्रंट में 80/100 सेक्शन के ट्यूबलेस टायर्स मिल जाएंगे। एंड इसमें आपको ओनली जो है ना वो सिंगल डिस्क ब्रेक मिलता है। रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलने वाला है विथ कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। यहाँ पे आपको ABS की कोई भी ऑप्शन नहीं मिलती है। उसके बाद दोस्तों, अगर मैं इसके इंजन के बारे में आपको बता दूँ, तो इसमें आपको वही सेम इंजन मिलता है, 125 CC का सिंगल सिलेंडर इंजन। और इसमें आपको दोस्तों मिलती है ऑलमोस्ट 11.6 PS की पावर एंड 11.3 Nm ऑफ टॉर्क। और यहाँ पे आपको एक प्लास्टिक का मडगार्ड भी मिल जाएगा, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे आपको राइडर एंड पिलियन के लिए फुटपेक्स मिल जाते हैं। एंड बाय द वे दोस्तों, इस मोटरसाइकिल में आपको 5-speed का गेयरबॉक्स भी मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो सीट्स वगैरह भी है ना, बहुत ही कंफर्टेबल मिलती है राइडर और पिलियन के लिए, दोनों के लिए जो स्पेस है ना वो बहुत बढ़िया मिलेगी। और इनफैक्ट दोस्तों, यहाँ पे आपको एक ये ग्रैब रेल्स भी मिल जाते हैं। कुशनिंग क्वालिटी ओवरऑल जो है ना, बहुत ही अच्छी मिलती है। साइड माउंटेड एग्जॉस्ट दिया गया है यहाँ पे, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। अभी इसकी मैं आपको साउंड भी सुना देता हूँ। तो इसमें आपको बहुत ही बेसी साउंड मिलती है। बाकी इसके रियर टायर्स के बारे में बात करूं, तो रियर में आपको मिलते हैं 197 इंचेस के टायर्स। और जो इसका रियर का सस्पेंशन है ना, वो है मोनोशॉक सस्पेंशन, जो कि आपको एडजस्टेबल मिल जाता है। बाकी इसका आप टेल लैम्प भी देखोगे ना, तो टेल लैम्प भी बहुत ही ज़्यादा आपको एक यूनिक लुक प्रोवाइड करता है, बहुत स्टाइलिश लुक आपको मिलता है। यहाँ पे आपको ये LED टेल लैम्प्स मिल जाएंगे। की का होल्डर आपको यहाँ पे मिलता है, जिससे आपको ये जो सीट है ना वो ओपन करने का प्रोविजन मिल जाएगा। बाकी टर्न सिग्नल जो है ना, वो आपको हेलोजन में ही मिल जाते हैं, और एक बड़ा सा आपको मडगार्ड भी मिल जाएगा। इस साइड में आप आओगे तो यहाँ पे आपको एक सारी गार्ड मिल जाता है, जो कि इंडियन नॉर्म के हिसाब से मैंडेटरी है, राइडर पिलियन फुटपेक। और इसमें आपको ये साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी मिलेगा, और मेन स्टैंड भी मिल जाता है। और इस साइड में भी आपको ये राइडर की 3D ब्रांडिंग मिलेगी, और यहाँ पे कुछ छोटे मोटे जो ग्राफिक वर्क टाइप में आपको मिल जाते हैं। बाकी ओवरऑल इसकी बिल्ड क्वालिटी है ना, वो आपको डिसेंट मिलेगी। बिल्ड क्वालिटी के मामले में कोई भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ जो है ना, वो TVS ने नहीं किया है। अभी दोस्तों, इस मोटरसाइकिल का मैं आपको ग्राउंड क्लियरेंस दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो,
इसमें आपको 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छा खासा होने वाला है दोस्तों। आपकी जो मोटरसाइकिल है ना वो नीचे टच नहीं होगी, इनके साथ इसे बड़े गड्ढों में भी लेके जाते हो, बड़े स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर भी लेके जाते हो, तो यहाँ पे ना मोटरसाइकिल नीचे टच नहीं होती। अभी मैं इसके ऊपर आपको बैठ के दिखा देता हूँ। तो बैठने के बाद कुछ इस तरीके से लुक आएगा और मेरी हाइट है 5'7" और मेरे लिए मुझे लगता है कि मोटरसाइकिल थोड़ी सी एक छोटी लुक प्रोवाइड कर रही है, बाकी मेरे पैर बहुत ही आराम से नीचे टच हो रहे हैं, तो शॉर्ट राइडर्स के लिए भी ये मोटरसाइकिल बहुत ही अच्छा ऑप्शन होने वाली है दोस्तों। अभी यहाँ पे खत्म होता है मेरा इस मोटरसाइकिल का एक डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू। अभी मैं घुसता हूँ मेरे मोटो ब्लॉगिंग के सेटअप पे एंड चलाते इस ब्यूटीफुल मशीन को, सो लेट्स गो। सो ऑलराइट दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूँ मेरे मोटो ब्लॉगिंग के सेटअप पे एंड चलाते इस ब्यूटीफुल मशीन को, लेट्स गो। सबसे पहले मैं आपको इसके ऊपर बैठ के दिखा देता हूँ। मेरे पैर बहुत आराम से नीचे टच हो रहे, एग्जॉस्ट साउंड भी सुन लेते। ये देखो ये डिस्प्ले ना बहुत प्रीमियम लगता है, ये जो स्टार्ट होता है ना जो एनिमेशन दिखता है ना वो बहुत बढ़िया लगता है। एंड साउंड भी आप सुन सकते हो, बहुत ही बढ़िया वाली साउंड मिलती है, सो लेट्स गो। और इसमें आपको जो है ना गियर शिफ्ट इंडिकेटर वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती है, तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी है। ओह माय गॉड, इतनी अच्छी पावर मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी 125 सीसी के हिसाब से। मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं कोई 125 सीसी की बाइक चला रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि 150 या 160 सीसी की कोई बाइक चला रहा हूँ, इतना अच्छा इनिशियल पिकअप है इस मोटरसाइकिल का। बाकी इसके इंजन के बारे में दोस्तों बात करेंगे तो इसमें आपको सेम इंजन मिलता है जो आपको पहले भी मिलता था, 125 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन, और पावर एंड टॉक जो है वो भी अच्छा खासा प्रोड्यूस कर लेती है। ऑलमोस्ट 11 PS की पावर एंड 11.3 न्यूटन मीटर का टॉक यहाँ पे आपको मिल जाता है। एंड दोस्तों पावर जो है ना इसकी इनिशियल एंड मिड रेंज में बहुत ही ज़्यादा पंची है, जैसे ही आप इसे इनिशियल में भगाते हो ना वैसे मोटरसाइकिल जो है ना भागना शुरू कर देते हैं। इसका थ्रॉटल रिस्पांस बहुत बढ़िया है एंड इवन इसकी जो आप लीवर्स वगैरह भी देखोगे ना तो उसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है, एल्यूमिनियम की यहाँ पे आपको ये ब्रेक एंड क्लच लीवर्स मिल जाते हैं। एंड मुझे इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना सीरियसली बहुत अच्छा लगा है, यहाँ पे आपको ये फुल्ली कलर TFT डिस्प्ले मिलता है और जैसे आप इसे भगाते हो ना ये RPM मीटर देख सकते हो आप, बहुत अच्छे से यहाँ पे आपको ये एनिमेशन भी मिल जाएगा। बाकी इंजन की तरफ आओ दोस्तों तो इंजन में वाइब्रेशन जो है ना बहुत कम है, बहुत मिनिमल वाइब्रेशन से, जब भी आप इसे थोड़े से हायर स्पीड पे भगाओगे तभी आपको हल्के फुल्के वाइब्रेशन इसके हैंडल बार्स पे एंड सीट्स पे लगते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे आपको इतने कुछ ज़्यादा मेजर वाइब्रेशन फील नहीं होते। और ये वाइब्रेशन भी दोस्तों आपको अनॉय नहीं करेंगे, आपको जो है ना इसे और भगाने के लिए इंस्पायर करेंगे, ऐसे वाले वाइब्रेशन है यहाँ पे। और इसका जो एग्जॉस्ट साउंड है ना चुम्बेश्वरी एग्जॉस्ट साउंड है, मज़ा आ जाता है, ऐसा लगता है कि आप कोई एक बड़ी स्पोर्ट्स बाइक चला रहे हो, आपको 125 सीसी की बाइक चला रहे हो, ऐसा फील आएगा ही नहीं यहाँ पे। और स्पेशली आप इस पोर्शन से देखोगे ना, मतलब इस राइडर एंगल से देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई बड़ी बाइक है, आपको ये ऐसा फील ही नहीं करवाती कि ये कोई 125 सीसी की बाइक आप चला रहे हो। उसके बाद दोस्तों इसका जो सीटिंग पोजीशन है वो बहुत कंफर्टेबल है, इवन इसकी जो सीट्स है ना राइडर एंड पिलियन दोनों के लिए भी अच्छी है, वाइड सीट है, कुशनिंग क्वालिटी भी यहाँ पे आपको अच्छी मिलती है, तो आप लॉन्ग राइड्स पे इस मोटरसाइकिल के ऊपर बहुत आराम से कर सकते हो। एंड इसका हैंडल बार भी देख सकते हो ना, अच्छा खासा वाइड हैंडल बार भी यहाँ पे दिया गया है जिसकी वजह से आपको ज़्यादा झुकने की जरूरत नहीं पड़ती, हैंडल बार जो ना यहाँ पे थोड़ा सा रेज मिलता है तो यहाँ पे आप ज़्यादा झुकते नहीं हो, आपके बैक में या आपके शोल्डर पे यहाँ पे पेन नहीं होता है, तो ये चीज़ डेफिनेटली बहुत बढ़िया है। एंड अभी इसके जो है ना पावर मोड में मैं थोड़ा बहुत स्विच करता हूँ, पावर मोड में स्विच करने के लिए यहाँ पे आपको थ्रॉटल जो है ना छोड़ना पड़ेगा और यहाँ से आप इसे स्विच कर सकते हो। एंड स्विच करने के बाद आप देख सकते हो तो यहाँ पे इसका जो कलर थीम है ना वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, यहाँ पे आपको ये ऑरेंज कलर का थीम मिल जाता है। एंड इसके पावर मोड में आपको पावर जो है ना थोड़ी सी फील होती है, इको मोड में जो पावर है थोड़ी सी कम लगेगी, बट जब भी आप इसे पावर मोड में स्विच करते हो तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा पिकअप मिल जाता है, इको मोड से तो बहुत अच्छा पिकअप यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब इसका टॉप एंड में ना आपको पावर मोड में आपको यूज़ करना पड़ेगा, जब भी आपको अच्छी पावर चाहिए, आपको अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए तो आप थोड़ा सा पावर मोड पे इसे स्विच कर सकते हो। बाकी दोस्तों इसमें आपको जो ना 5-speed का गेयरबॉक्स मिलता है और यहाँ पे जो ना गियर शिफ्ट इंडिकेटर पे आपको दिया गया है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। बाकी ये कलर TFT डिस्प्ले मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है भाई साहब,
बाकी इसके कंफर्ट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन फ्रंट में दिए गए, रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलते हैं जो कि एडजस्टेबल है, तो आपके हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे एडजस्टमेंट करने की कोई भी ज़रूरत है। जो कंपनी से आपको मिलते हैं ना वही एडजस्टमेंट रखो, सिटी एंड हाईवे के लिए दोनों के लिए भी अच्छी यहाँ पे एडजस्टमेंट मिल जाती है। सस्पेंशन थोड़े से आपको स्टिफ साइड में लगेंगे, मतलब आप सिटी में भी चलाओ या हाईवे भी चलाओ तो आपको कम्फर्ट जो है ना अच्छा मिलेगा, आपको ज़्यादा बहुत जो है ना वो जर्क नहीं लगेंगे, आपको शेक नहीं मिलेंगे जब भी आप इसे स्पीड ब्रेकर के ऊपर वगैरह लेके जाओगे। अभी एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर टेस्ट भी कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इतना ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम फील नहीं होता। बाकी इसका टर्निंग रेडियस भी देखो, बहुत अच्छा टर्निंग रेडियस है, तो आपको यहाँ पे जो शार्प टर्न वगैरह लेने होंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद अगर मैं इसके ब्रेकिंग के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आपको सिंगल डिस्क ब्रेक मिलते हैं ओनली फ्रंट में, रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे, एंड इसमें आपको मिलती है कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, मतलब आप इसके जब भी रियर के ब्रेक्स अप्लाई करते हो तो फ्रंट के ब्रेक भी कुछ परसेंट अप्लाई हो जाते हैं, उसके वजह से आपको ओवरऑल एक बेटर स्टॉपिंग पावर मिल जाती है। एंड फ्रंट के ब्रेक जो है ना सीरियसली अच्छे हैं, एक बार मैं इसको आपको अप्लाई करके भी दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो कितने अच्छे ब्रेक्स है। रियर के ब्रेक्स का जो फीडबैक है ना वो मैं डिसेंट बोलूँगा, इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं बोलूँगा, इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं बोलूँगा। एंड मोटरसाइकिल जो है ना आराम से 40-50 की स्पीड तो आराम से पकड़ लेती है, तो यहाँ पे पिकअप के मामले में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों इसमें जो आपको जो फ्यूल टैंक मिलता है ना वो 10 लीटर्स का मिलता है, और इसमें आपको आराम से 50 and 55 की माइलेज मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे आपको स्मार्ट एक्स कनेक्ट की ब्रांडिंग मिल जाती है जो कि बहुत ही अच्छी है, और यहाँ पे आपको ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल अलर्ट, मैसेज अलर्ट सारी चीज़ें मिल जाती है। और इसके जैसा डिस्प्ले मैंने अभी 125cc के सेगमेंट में नहीं देखा, 125cc के क्या तो 200cc के भी सेगमेंट में इतना प्यारा डिस्प्ले नहीं मिलता, आपको ऐसा लगेगा कि कोई सुपर बाइक का डिस्प्ले आपको यहाँ पे TVS ने ऑफर कर दिया, इतना ज़्यादा अच्छा डिस्प्ले यहाँ पे आपको मिलता है। बाकी साउंड आप सुन सकते हो, जब भी आप इसे आइडल पे लेके जाते हो ना तो एक आपको ग्रंटीनेस फील देता है, एक आपको बेसी आवाज़ यहाँ पे आता है, तो मज़ा आता है यार आपको ओवरऑल देखने के लिए। तो दोस्तों ये आपको चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। बाकी दोस्तों ये जो मोटरसाइकिल है ना थोड़ी सी कॉम्पैक्ट है, जिसकी हाइट 5 feet या 5 feet के थोड़ी सी नीचे है उनके लिए तो ये मोटरसाइकिल एकदम कंफर्टेबल होगी, बट जिसकी हाइट 5'6" या 5'7" होगी या थोड़ी सी उसके ऊपर वाली हाइट होगी तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी ये मोटरसाइकिल छोटी लग सकती है, थोड़ी सी कॉम्पैक्ट लग सकती है, क्योंकि 125cc की मोटरसाइकिल है, थोड़ी सी एक कॉम्पैक्ट मोटरसाइकिल की आपको लुक एंड फील यहाँ पे मिल जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे खत्म होता है मेरा इस मोटरसाइकिल का एक डिटेल राइड रिव्यू। आई होप आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए।